गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 4. नाउ टुडे वी आर टू स्टार्ट न्यू थ्योरम. दिस इज द बेस ऑफ द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. टू हियर टू स्टूडेंट्स, सी एंड लिसन केयरफुली. ठीक है, इसको अच्छे से समझो. ये बेस पूरा है किसके? पाइथागोरस थ्योरम. और इसके बाद अपन करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम. एंड पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम. So this is the base of that theorem. So you have to listen carefully. Now what the theorem says? Theorem number 8 in your page number 256 in your textbook. Now what the theorem says? If a perpendicular is drawn on the hypotenuse from the vertex of the right angle of a right angle triangle. Kya bol raha hai yahan tak? If a perpendicular is drawn on the hypotenuse from the vertex of the right angle of right angle triangle, बोलता है कोई hypotenuse और वो right angle triangle है, तो क्या बन गया triangle? ये अपना A B C, ये right angle है. ठीक है, hypotenuse drawn कर रहा है किसमें? right angle पे. क्या triangle बन गया हमारा? triangle A B C. after that then क्या बोलता है? then triangles on both the sides of the perpendicular, we have to made here one perpendicular BD. BD क्या है? Perpendicular are similar to the original triangle as well as to each other. इसका मतलब ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अपने को क्या प्रूफ करना है. बोलता है कि अगर ऐसा होता है A B C is a right angle triangle and BD is a perpendicular, then ठीक है ना? फिर क्या मैंने बोला? A B C is a right angle triangle and BD is a perpendicular on AC, then triangle A B D सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, देन ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी. समझ आया कि नहीं आया? फिर से बताओ. देखो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? ये जो स्मॉल ट्राइंगल है ए डी बी और ये बिग ट्राइंगल है ए बी सी, बोथ आर सिमिलर होंगे. ट्राइंगल डी बी सी और ये बिग ट्राइंगल ए बी सी, बोथ आर सिमिलर. अगर ऐसा होता है कि अगर ये स्मॉल ट्राइंगल और ये बिग ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ये स्मॉल ट्राइंगल और ये बिग ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल डी बी सी और ऑल्सो क्या होंगे? सिमिलर होंगे. वी हैव टू प्रूव दिस वन. ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल बिग ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर, स्मॉल ट्राइंगल बिग ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर, देन फॉर ये ट्राइंगल और दोनों स्मॉल ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है. ठीक है, तो पहले प्रूफ करते हैं ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी. सो ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी से देखो स्टूडेंट्स, ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी सी. ठीक है, ट्राइंगल क्या प्रूफ कर रहे हैं अपन? ए डी बी एंड ट्राइंगल डी बी सी. इज देयर एनी कॉमन? क्यों कॉमन दिख रहा है? हाँ है, कॉमन है. ए डी बी ट्राइंगल पे देखो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ट्राइंगल बी डी सी में देखो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, बट अपने को कौन सा चाहिए? एंगल एंगल सिमिलरिटी चाहिए. अपने को टू एंगल्स चाहिए, अब यह टू एंगल्स तो है नहीं. ठीक है ना, अपने को एक ही एंगल्स मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है और ये एंगल. इस ट्राइंगल के लिए ए डी बी, इसके लिए ये 90 डिग्री है और ट्राइंगल बी डी सी में ये एंगल 90 डिग्री है. बट अपने को क्या चाहिए? एटलीस्ट अपने को कितना चाहिए? टू एंगल्स वी हैव टू मेक. तो कैसे करते हैं? इसके लिए अपन इस दोनों ट्रायंगल के लिए एक एक ट्रायंगल अपन इक्वल कर देते हैं. नाउ वो कैसे करेंगे? देखो नाउ सी, देखो ठीक है. तो इन ट्रायंगल ए ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे एंगल ए बी सी इज व्हाट? 90 डिग्री. ठीक है ना, तो शैल वी सी दैट एंगल ए बी डी और डी बी सी दोनों, ठीक है ना, ये पूरा क्या 90 डिग्री है. तो मैं लिख सकता हूं उसको एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी. शैल वी राइट दिस वन? यस, वी हैव टू मेक दिस राइट वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, नॉट एंगल सी, बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज वॉट? 90 डिग्री.
एंगल बी डी सी इज वॉट 90 डिग्री. तो शैल वी से दैट ये ट्रायंगल देखो, बी डी सी ट्रायंगल देखो, अगर ये 90 डिग्री है, मीन्स ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल मेक्स 90 डिग्री. तो शैल वी से दैट, ठीक है ना, समझ आ रहा है. अगर ट्रायंगल डी बी सी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो सम ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो मेक्स 90 डिग्री. तो हम राइटिंग हियर एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. क्लियर है? सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बोथ आर 90 डिग्री. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इफ आर एच एस इज इक्वल देन एल एच एस इज ऑल्सो इक्वल. तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी. सो डी बी सी डी बी सी इज वॉट कैंसल. तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी. ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ वी हैव टू प्रूफ दिस टू ट्रायंगल्स. ये ट्रायंगल प्रूफ कर लेते हैं, ए डी बी और ट्रायंगल बी डी सी. अब देखो, फर्स्ट वन वी हैव टू प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी. इन बोथ द ट्रायंगल्स, अब एंगल्स देखो सिमिलर है कि नहीं, ठीक है, अच्छे से देखना. अब देखो ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, बोथ आर 90 डिग्री. सो यू टू राइट ईच 90 डिग्री. और अभी अभी देखो ए बी डी और डी सी बी, अभी ये पता चला है कि अपने को ए बी डी दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस एंगल और एंगल डी सी बी आर बोथ आर इक्वल. तो अपने को दूसरा एंगल ही मिल गया, ठीक है ना. ये जो स्मॉल ट्रायंगल के लिए एंगल ए डी बी ये एंगल और डी बी सी के लिए ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है. तो एंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री ए बी डी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री. फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री सो बाय वॉट विथ सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी. वी हैव टू प्रूफ हियर. ये पहला वाला अपना प्रूफ हो गया, ठीक है. नाउ द सेकेंड वन वी हैव टू प्रूफ. ये समझ आया? क्लियर है? नाउ वी हैव टू प्रूफ द सेकेंड वन. स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक आई रिटर्न यहाँ पे एंड. नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है. बाय मिस्टेक मैं सिमिलर कर दिया था, यहाँ पे एंड आएगा. इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी, बाय मिस्टेक आई रिटर्न, ठीक है. ये एंड है. नाउ अगेन अपने को सेकेंड प्रूफ करना है. नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी. नाउ सी केयरफुली. नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी, दिस स्मॉल ट्राइंगल एंड दिस बिग ट्राइंगल. नाउ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो 90 के देख लेते हैं. एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये एंगल देखो ए डी बी इज वॉट 90 डिग्री और एंगल ए बी सी इज ऑल्सो इज वॉट 90 डिग्री. तो ईच हो गया ये 90 डिग्री, ठीक है. अब सेकेंड थिंग देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? देखो एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी, दोनों में एंगल क्या सेम आ रहा है? एंगल ए, ठीक है ना. एंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी, दोनों में एंगल क्या है? एंगल ए कॉमन है. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन एंगल, कॉमन एंगल. सो हो गया प्रूफ. सो बाय अवर फेवरेट सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हो गया सिमिलर. नेक्स्ट थिंग थर्ड वाला क्या हमारे पास? थर्ड भी ऐसे सेम कर लेते हैं. थर्ड वन इज व्हाट? ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी वी हैव टू मेक. अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन? बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी. दिस बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी. अगेन इन बी डी सी एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल, ये देखो एंगल बी डी सी 90 डिग्री है और एंगल बड़े ट्रायंगल में बिग ट्रायंगल में ए बी सी इज ऑल्सो इज वॉट 90 डिग्री.
ईच क्या लिख दोगे यहाँ पे, ईच 90 डिग्री. एंड अगेन यू हैव टू सी दैट बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल सी. तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी ईच, सॉरी क्या लिख दोगे, कॉमन एंगल. क्या लिख दोगे यहां पे, कॉमन एंगल. सो बाय विच सिमिलैरिटी, सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी. ओके आई थिंक यू टू अंडरस्टैंड. तो अपने पास दो तीनों प्रूफ हो गया. फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया एडीबी और पीडीसी, यहाँ प्रूफ हुआ था. देन वी हैव टू प्रूफ एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी, एडीबी और ट्रायंगल एबीसी प्रूफ कर लिए. ठीक है, और लास्ट में प्रूफ कर लिए एंगल ट्रायंगल बीडीसी और ट्रायंगल एबीसी. ठीक है, यहां तक क्लियर है. तो यहां पर ये अपने को फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड बीडी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन द एसी, मींस तो ये ट्रायंगल ट्रायंगल एबीडी किसके सिमिलर होगा, एबीसी के. ट्रायंगल बीडीसी किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल अब दिख रहा है, फिर से बता रहा हूं, एबीडी किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल एबीसी के. बी डी सी किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी के. ऐसा होने के बाद ए डी बी एंड ट्रायंगल डी बी सी बोथ आर आल्सो सिमिलर. ओके, नाउ वी हैव टू मेक द थ्योरम नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू. नाउ यू हैव टू सी पूरा बेस स्टूडेंट्स ये पूरा, ठीक है. ये अगर ये समझ आएगा तो वो अपने आप थ्योरम समझ आ जाएगा. नाउ सी, now see this theorem number 9 students is totally based upon your theorem number 8. now if theorem number 8 is clear for you, then theorem number 9 easily ban jayega. now see what the theorem number 9 says. In a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. kya bol raha hai, in a right angle the square of the hypotenuse 90 degree kya hota hai students, yahan pe 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. बोलता है जिसका हाइपोटेनियस है इक्वल टू किसके इक्वल है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बोला हुआ है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. स्टूडेंट्स को उसको और क्या नाम से अपन पहचानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है उसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. सो एज वी नो 90 डिग्री, सो दिस इज व्हाट हाइपोटेनस. ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपने क्या करना है, प्रूफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ठीक है, वी हैव टू मेक बी डी BD, you have to write, draw BD perpendicular to AC. Draw BD perpendicular to AC. अब we have to know, we have to क्या करेंगे, अपन प्रूफ करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में अपने को कहीं नहीं बोला था कि परपेंडिकुलर बना हुआ है, so we have to make construct here. बट एज अ प्रीवियस थ्योरम नंबर 8 इन द स्टेटमेंट ऑलरेडी सेज दैट, बोल चुका था कि यहां पर पर्टिकुलर ड्रॉ है. ठीक है, तो लास्ट थ्योरम में अपन क्या किए थे, दिस स्मॉल ट्रायंगल सिमिलर टू दिस बिग ट्रायंगल, दिस स्मॉल ट्रायंगल सिमिलर टू बिग ट्रायंगल एंड दिस स्मॉल ट्रायंगल सिमिलर टू दिस स्मॉल ट्रायंगल, ये तो किए थे अपन. ठीक है, तो सेम एज इट इज थ्योरम नंबर 8 का बेस लेते हुए अपन थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को इस पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. नाउ सी कैसे, सबसे पहले क्या किया था उसमें, अपने ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल ए डी बी एंड बी डी सी. अब ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है, 90 डिग्री स्टूडेंट्स. ठीक है ना, दिस इज व्हाट 90 डिग्री, ये एंगल और ये क्या है 90 डिग्री, वाई बिकॉज परपेंडिकुलर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे अपन, ए डी बी और बी डी सी, दिस स्मॉल ट्रायंगल ए डी बी
एंड बी डी सी स्मॉल ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो सिमिलर करने से अपने को क्या चाहिए, एटलीस्ट वी हैव टू मेक टू एंगल्स। अब यहाँ पे देखो ए डी बी, ये एंगल 90 डिग्री, बी डी सी दिस एंगल 90 डिग्री, ये तो है, बट अपने को एक और एंगल चाहिए। वाई? बिकॉज वी हैव टू मेक एंगल एंगल सिमिलरिटी, आवर फेवरेट सिमिलरिटी। तो अपने को एक ही एंगल पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का ए डी बी का और बी डी सी का कोई भी एक एंगल और इक्वल करना पड़ेगा, तभी वो इन दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहले क्या काम करेंगे अपन, इस टू ट्रायंगल में से ए डी बी और बी डी सी का एक और एंगल अपन क्या करेंगे, इक्वल है, एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, बट अपने को एक एंगल और क्या करना है, इक्वल कर लेते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, टेक इन ट्रायंगल एबीसी, फर्स्ट यू टेक दिस बिग ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, शैल आई राइट एंगल एबीसी इज व्हाट 90 डिग्री, एबीसी इज व्हाट 90 डिग्री, तो शैल आई राइट एंगल एबीडी, एबीडी प्लस डीबीसी 90 डिग्री, शैल आई राइट एंगल एबीसी को लिख सकता हूं मैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, शैल आई राइट लिख सकता हूं, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रायंगल एबीसी मैंने बिग ट्रायंगल लिया, अब इसके बाद या तो आप ए डी बी ले लो या फिर बी डी सी ले लो, एज यू विश, ठीक है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं क्या बोला ट्रायंगल एबीसी बड़ा ट्रायंगल लेना, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक आइदर टू टेक एंगल ट्रायंगल ए डी बी आइदर टू टेक ट्रायंगल बी डी सी। सो आई एम टेकिंग हियर इन ट्रायंगल, दिस इक्वेशन नंबर वन मैं ले लेता हूं, इन ट्रायंगल बी डी सी। नाउ सी स्टूडेंट्स, इफ अब देखो यहां पे एंगल बी डी सी इज व्हाट 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट यहां देखो स्टूडेंट्स, अगर दिस एंगल एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल, ये एंगल एंड दिस एंगल मेक्स दिस सम ऑफ दिस एंगल एंड सम ऑफ दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। व्हाई? बिकॉज बी डी सी इज अ ट्रायंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, अगर ये 90 है तो ये जो एंगल है दिस एंगल एंड दिस एंगल सम ऑफ दिस एंगल इज व्हाट मेक्स 90 डिग्री। सो एंगल डी बी सी प्लस ये कौन सा एंगल, एंगल से लिख लो या तो डी सी भी लिख लो, एंगल से लिख लो, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दिस इज 90, दिस इज 90, सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी, आर एच एस इज इक्वल, सो आर एच एस ऑल्सो इक्वल, ठीक है। नो सी एंगल डी बी सी डी बी सी इज वॉट कैंसल, तो क्या बच गया, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। तो अपने को क्या मिल गया, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी, मीन्स दिस एंगल ए बी डी, दिस एंगल एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी, दी अपना एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो अब अपन यूज कर लेते हैं, अब क्या करेंगे, पहला काम क्या था, ए डी बी और डी बी सी को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, इसलिए तो अपन ये सब किए, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल डी बी सी, सबसे पहले ये तो 90 डिग्री है, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए डी बी और बी डी सी को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपन इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू दिस ट्रायंगल, ए डी बी में ये एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी, दिस एंगल बोथ आर इक्वल, ठीक है। फ्रॉम ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी सी, यहां तक अपन
मतलब ये ट्रायंगल ए डी बी डी बी सी को अपन प्रूव कर चुके हैं एस जैसे अपन थ्योरम नंबर 8 में किए थे, ठीक है। सेम एज इट इज उसके बाद क्या किए थे थ्योरम नंबर 8 में, ये किए थे उसके बाद ये बिग ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड ए डी बी को सिमिलर प्रूव करेंगे। नाउ सी यार एंगल ए डी बी एंड ए बी सी को अपन क्या करेंगे सिमिलर करेंगे एज सेम एज द थ्योरम नंबर 8। तो ए डी बी देखो ए डी बी यहां पे 90 डिग्री है, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू अब बिग ट्रायंगल देखो ए बी सी ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी इज व्हाट ईच 90 डिग्री। अपने को एक और एंगल चाहिए, अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स ए डी बी दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी दिस ट्रायंगल दोनों में कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल्स व्हाट कॉमन एंगल सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, सो दिस इज क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो अभी स्टूडेंट्स अब इफ दिस ए डी बी सिमिलर टू बिग ट्रायंगल ए बी सी मीन्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस स्मॉल ट्रायंगल एंड दिस बिग ट्रायंगल इज इन द रेशो पे आ जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल का ए डी बी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, आइदर दिस परपेंडिकुलर और आइदर दिस परपेंडिकुलर, किसकी बात कर रहा हूं मैं ए डी बी का, क्योंकि अपने को करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। ट्रायंगल ए बी सी का प्रॉब्लम नहीं है, देखो ए बी सी का ये परपेंडिकुलर है बिग ट्रायंगल का और ए बी सी का बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है हाइपो बिग ट्रायंगल के लिए ए बी सी के लिए, ठीक है। ए बी सी के लिए दिस इज परपेंडिकुलर और बिग ट्रायंगल दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपो, व्हाई बिकॉज 90 डिग्री अपोजिट क्या है हाइपो है, ठीक है। बट इन द स्मॉल ट्रायंगल ए डी बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, आई एम सेइंग हियर परपेंडिकुलर दिस वन फॉर दिस ट्रायंगल ए डी बी के लिए एंड दिस इज व्हाट बेस एंड दिस इज व्हाट हाइपो, ये अपन मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, व्हाई बिकॉज अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर है, अब इसको थोड़ा समझो क्यों, इसको ही बोल सकता हूं मैं परपेंडिकुलर, इसको ही बोल सकता हूं ना, बीडी को भी परपेंडिकुलर बोल सकता हूं, बट मैंने एडी को ही क्यों परपेंडिकुलर माना, ए डी बी के लिए मैंने एडी को ही क्यों परपेंडिकुलर माना और इसको क्यों मैंने बेस माना। हाइपो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री अपोजिट क्या होता है हाइपो, ये तो क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं, नाउ यू हैव टू सी, नाउ सपोज स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी है ए बी सी एंड दिस इज एंगल साइन सी, मान लो सी है वहां पे, तो विच इज हाइपो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपो, नो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं एंगल यहां बना रहा हूं तो हमेशा याद रखना एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर और जो बचेगा क्या होगा बेस, ठीक है। मैंने क्या बोला ट्रायंगल एबीसी है दिस इज 90 डिग्री, इस एंगल के अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा हाइपो और जो बचा क्या हो जाएगा बेस। सपोज आई एम सेइंग हियर दिस इज ट्रायंगल ए बी सी दिस इज 90 डिग्री एंड सपोज आई एम सेइंग हियर विच इज परपेंडिकुलर दिस इज परपेंडिकुलर, ये तो है 90 डिग्री अपोजिट हाइपो, ये तो कन्फर्म है। अब ये बताओ स्टूडेंट बी सी परपेंडिकुलर है कि ए बी परपेंडिकुलर है, नॉट टू कन्फ्यूज। अगर सपोज मैं एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ, तो एंगल के अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और जो बचेगा वो क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट हाइपो और जो बचा बेस। सेम ईयर ऑल्सो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट हाइपो, क्लियर हुआ। तो सेम एज इट इज स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वही लिया है, देखो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल देखो ए डी बी देखो दिस ट्रायंगल एंगल दिस ये एंगल दिख रहा है, तो एंगल के अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट हाइपो जो बचेगा क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। अब समझ आया, अब देखो अब इजली हो जाएगा करस्पॉन्डिंग रेशो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे पहले ए डी बी है तो ए डी बी का अब देखो ए डी बी का हाइपो क्या है, हाइपो क्या है ए बी, ठीक है रेशो पे आएगा। और ट्रायंगल ए बी सी का हाइपो क्या है ए सी है, ए बी सी का हाइपो क्या है ठीक है 90 डिग्री अपोजिट या हाइपो है तो हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर क्या है एडीबी के लिए, ए डी बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी है अपॉन ठीक है एडी के लिए परपेंडिकुलर ये है, और ट्रायंगल ए बी सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा स्टूडेंट्स ए बी है, यहां तक क्लियर है। बेस क्या है, स्मॉल ट्रायंगल ए डी बी के लिए बेस क्या है, बी डी है, एंड फॉर द बिग ट्रायंगल ए बी सी के लिए ट्रायंगल बी सी बेस कौन सा है, बी सी है। आई थिंक यू टू अंडरस्टैंड, अब समझ आया होगा ठीक है ना, ये स्मॉल ट्रायंगल ए बी ठीक है ना हाइपो हो गया, और बिग ट्रायंगल के लिए हाइपो कौन सा है, ए सी है, ए सी इक्वल्स टू स्मॉल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ए डी, बिग ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर दिस वन ए बी ठीक है। ये जो मेंशन किया हुआ परपेंडिकुलर एच पी दिस इज फॉर स्मॉल ट्रायंगल ए डी बी के लिए ठीक है। फिर लास्ट बचा हमारे पास बी डी, बी डी स्मॉल ट्रायंगल के लिए बी डी, ए डी बी ए डी बी के लिए बेस क्या है, बी डी है, और इस बिग ट्रायंगल के लिए ए बी सी के लिए बेस कौन सा है, बी सी है। यहां तक क्लियर हुआ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स यहां पे देखो क्या प्रूफ करना है अपने को, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिख रहा है ए बी स्क्वायर, तो सेल आई अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं ए बी इंटू ए बी तो आ जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर, सो आई एम टेकिंग दिस टू वन, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, तो ए बी तो यहां पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका फोर, दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर फोर। आफ्टर दैट ना ये हो गया, आफ्टर दैट अपन थ्योरम नंबर 8 में क्या किए थे, अब ये स्मॉल ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर कर दिए, सिमिलर हो गया, नाउ आई एम टेकिंग हियर बी डी सी एंड ट्रायंगल बिग ट्रायंगल, आई एम टेकिंग स्मॉल ट्रायंगल बी डी सी एंड आई एम टेकिंग ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC ठीक है। अब देखो यहां पे अगेन सेम ऑल्सो BDC में दिस 90 डिग्री, सो आई एम राइटिंग हियर एंगल BDC इक्वल्स टू, नाउ बिग ट्राइंगल में क्या एंगल है, ABC ABC ईच 90 डिग्री। आफ्टर दैट नाउ सी हियर स्टूडेंट्स BDC दिस स्मॉल ट्राइंगल एंड बिग ट्राइंगल ए बी सी ठीक है, बिग ट्राइंगल ये समझ आया, बी डी सी में ये एंगल 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए बी सी दिस इज ऑल्सो इज वॉट 90 डिग्री, सो बोथ आर 90 इज 90। अगर अपने को एक और चाहिए तो फिर बी डी सी दिस ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी बिग ट्राइंगल दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एंगल सी, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, सो बाय व्हाट, सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये अपना सिमिलर हो गया ठीक है। यहां तक अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते लेते हैं अपन, सो यहां पर क्या हुआ बी डी सी सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल ए बी सी के, तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स किस पे हो जाएंगे, रेशो पे हो जाएंगे। अब रेशो पे कैसे होंगे, यहां पे देखो, अब यहां पे ये देखो इस ट्रायंगल पे ए डी बी पे हमने ये लिखा था कि एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है हाइपो, जो बचेगा बेस। अब ये ट्रायंगल देखो बी डी सी को देखो, बी डी सी 90 डिग्री के अपोजिट, आई एम यूजिंग रेड पेन हियर, ट्रायंगल बी डी सी के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं, बी डी सी इन ट्रायंगल बी डी सी 90 डिग्री के अपोजिट क्या है स्टूडेंट्स, हाइपो, 90 डिग्री के अपोजिट क्या हो जाएगा हाइपो। अब एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, समझ आया, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बी डी सी की, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपो, एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बचेगा क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा ठीक है। तो हम ब्लैक पेन के लिए जो ए डी बी के लिए ब्लैक पेन जो यूज हुआ है इसके लिए ए डी बी के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपो ये है,
और बीडीसी के लिए, बीडीसी के लिए जो रेड पेन से लिखा है मैंने, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, वो है, ठीक है। सो आफ्टर लिख लेते हैं, सो व्हाट इज हाइपो, बीडीसी में हाइपो क्या है, बीसी अपॉन, अब बिग ट्राइंगल के लिए ए बी सी के लिए हाइपो कौन सा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री अपोजिट क्या है, हाइपो ये है ए सी है, ठीक है। अब बी डी सी के लिए बेस कौन सा है, बेस कौन सा है, डी सी अपॉन, अब बिग ट्राइंगल के लिए बेस कौन सा है स्टूडेंट्स, बी सी, ये बी सी ये बेस है, इक्वल्स टू स्मॉल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ये है बी डी है, एंड बिग ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। सो आई एम टेकिंग दिस वन एंड दिस वन, व्हाई, बिकॉज क्या प्रूफ करना है अपने को, यहां पे देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर तो ऑलरेडी ले चुके अपन, अब क्या बी सी स्क्वायर, बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। सो आई एम टेकिंग दिस टू वन, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी, क्या आ गया, डी सी इंटू ए सी, दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर 5। सो आफ्टर दैट यहां पे देखो दोनों को क्या किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों क्या है, यहां पे एडिशन पे है, तो सेम ईयर ऑल्सो यहां पे ए बी स्क्वायर है, यहां पे ए बी स्क्वायर और यहां पे क्या है, बी सी स्क्वायर, सो एम एडिंग, सो एडिंग इक्वेशन 4 and 5, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर की यहां पे क्या है, ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी, ठीक है, ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी, आई एम एडिंग इक्वेशन 4 and 5, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ए सी हियर ऑल्सो ए सी, हियर ऑल्सो ए सी, ए सी को कॉमन निकालो, बचा क्या, ए डी प्लस डी सी, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, एज इट इज आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब यहां पे देखो ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी पूरा क्या है, ए सी बन रहा है, तो ए सी इंटू ए सी, तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और वी हैव टू से दैट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका हो गया प्रूफ्ड, ये तो प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका बेस थ्योरम क्या था, थ्योरम नंबर 8। स्टूडेंट्स इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा शॉर्ट में किया है, आइदर हैव टू टेक फ्रॉम देयर, आइदर हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो, बिकॉज थ्योरम नंबर 8 थ्योरम नंबर 9 बोथ आर लेट, एंड थ्योरम नंबर 8 एंड थ्योरम नंबर 9 हेल्प करेगा हमारा एक्सरसाइज में, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा थ्योरम नंबर 8 थ्योरम नंबर 9 हेल्प करेगा किसमें, एक्सरसाइज में, क्या आपका ये लेंथी लग जा रहा है, अगर इफ यू टू मेक लेंथी, सो यू हैव टू सी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, थ्योरम नंबर 9 पेज नंबर 256 में है, किसमें है, 256, ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, और ये जो रेड पेन समझ आया, बी डी सी के लिए रेड पेन के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपो ये है, ठीक है, और ये जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है ए डी बी ट्रायंगल के लिए, ए डी क्या है परपेंडिकुलर, बी डी क्या है बेस, और ये क्या है हाइपो है, किसके लिए, ए डी बी के लिए, और ये रेड पेन के लिए बी डी सी है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलो अब एक्सरसाइज में जाते हैं, नाउ सी नेक्स्ट, नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 5 स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डायग्राम है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, सॉरी दिस इज सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम इज होमवर्क फॉर यू, नाउ सी द सेकंड डायग्राम, बताना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट सिमिलर, पता करना है कि सिमिलर, दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, दिस टू फिगर्स आर सिमिलर और नॉट, मैं वर्बली बता दे रहा हूं स्टूडेंट्स कहते कैसे, ठीक है, अब देखो फर्स्ट फिगर में देखो, वेदर दिस टू ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई, वेदर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी एंड सी डी सिमिलर है
वाई बिकॉज देखो यहाँ पे, अब देखो सिमिलर है कि नहीं पूछ रहा, अगर इसका रेशो आ जाता है या तो अपने को एंगल्स चाहिए या रेशो सेम चाहिए। अब एंगल्स तो पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट साइड्स दिया हुआ है, तो शैल आई राइट, इसको मैं लिखूंगा, अगर मैं इसका करस्पॉन्डिंग बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा सी डी, एसी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा सी, ठीक है, तो बीसी क्या है पेस्टेंट्स 12, ठीक है, बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा सी डी, तो आई एम राइटिंग हियर 18 इक्वल्स टू एसी का करस्पॉन्डिंग, एसी का करस्पॉन्डिंग साइड्स सी, तो मैं लिख गया 10/15, कट करके देखो क्या हो जाएगा, 6 2 12 6 3 18 5 2 10 5 3 15, सो क्या आ गया सेम रेशो क्या आ गया 2/3 2/3, सो दिस फिगर इज व्हाट, ये फिगर क्या कहलाएगा सिमिलर कहलाएगा, वही बिकॉज एंगल्स तो पता नहीं बट साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो, तो दिस टू फिगर्स आर इन द सिमिलर, मैं बराबरी बता रहा हूं, आप होमवर्क कर लेना इसको। नाउ सी द थर्ड वन, वेदर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, दिस इज 100 डिग्री एंड दिस इज 100 डिग्री, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, आई डोंट नो राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, सपोज आई एम, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, सपोज आई एम सेइंग दिस ट्रायंगल्स एंड दिस ट्रायंगल, दिस मेक 100 डिग्री दिस मेक्स 100 डिग्री, शैल वी से दैट वेदर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कंडीशंस क्या है, या तो रेशो सेम होने चाहिए या फिर एंगल्स क्या होने चाहिए सेम होना चाहिए, अब साइड्स तो पता है नहीं, तो क्या पता है अपने को पास एंगल्स पता है, सो वेदर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स, नहीं है, वाई बिकॉज ओनली वन एंगल इज गिवन, यहां भी 100 डिग्री है यहां भी 100 डिग्री है, सो दिस टू फिगर्स आर नॉट सेम सिमिलर, वाई बिकॉज ओनली वन एंगल इज गिवन एंड वी कांट से दैट दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, वाई बिकॉज अगर अपने को सिमिलर प्रूफ करना है तो एटलीस्ट कितने एंगल्स चाहिए अपने को, टू एंगल्स, तो वहां पर क्या कर देंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो टू ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, बट इन दिस फिगर वी आर गिविंग ओनली वन एंगल, सो यू कांट सी दिस, दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, ओके, एंड दिस वन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर दिस टू फिगर्स और वेदर दिस टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, है क्या, दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू चेक वेदर दिस टू फिगर्स आर सिमिलर और नॉट, ओके, दिस इज दिस फिगर इज सिमिलर, दिस फिगर्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज दिस फिगर्स आर आर इन द साइड्स इन द सेम रेशो, तो दिस फिगर आर सिमिलर, ओनली वन एंगल इज गिवन, सो वी कांट से दैट दिस टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, ये सिमिलर है ये सिमिलर नहीं है, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू वेदर दिस टू फिगर्स आर सिमिलर और नॉट, वेदर टू पॉलीगन्स आर सिमिलर और नॉट, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नाउ सी Now what the question number 2 says, Megha made two similar kites, the diagonal of the bigger kite is 1.5 times the diagonal of the smaller kite, बोलता है जो इसका diagonal, ठीक है, तो diagonals of the bigger kite is 1.5 times the diagonal of the smaller kite, बोलता है इसके जो diagonals है, ठीक है, इसको जो diagonals है, कितने times ज्यादा है, 1.5 times, इससे 1.5 times ज्यादा है, so what the question says, What is the scale factor? Find the length of the diagonal of the bigger kite. Given that BD equals to 40 cm. BD kitna diya hua 40 cm. AC is what? AC kitna diya hua yahan pe 68 cm. Theek hai? Now, kaise solve karenge isko dekho. So, see your textbook students. What the first question says? क्वेश्चन पे बोला था डायगनल ऑफ द बिगर काइट इज इक्वल्स टू 1.5 times द डायगनल ऑफ द स्मॉलर काइट, ठीक है, ये तो बोला क्वेश्चन, तो चलो राइट डायगनल ऑफ बिगर काइट अपॉन डायगनल ऑफ स्मॉलर काइट इक्वल्स टू, इधर आ गया तो बचा क्या हमारे पास 1.5 times, ठीक है, यही तो बचा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डायगनल ऑफ बिगर काइट इक्वल्स टू 1.5 times, 5 times मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है मल्टीपल है, ठीक है,
1.5 टाइम्स मल्टीपल द डायगोनल ऑफ द स्मॉलर कट, इसका मतलब यही है। तो ये मल्टीपल हो गया तो इधर आ गया, डायगोनल ऑफ द स्मॉलर कट इधर आ गया, तो इसे क्या बच गया 1.5। तो फर्स्ट ऑल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, व्हाट इज स्केल फैक्टर? एज वी नो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर अपना रेशो पे है और उसका स्केल फैक्टर क्या मान लेंगे अपन यहाँ पे 1.5। सो व्हाट इज स्केल फैक्टर इज ओवर 1.5। Why? Because in the question already says both the figures are similar. तो corresponding sides के ratio क्या होते हैं students? As we know क्या होते हैं scale factor होते हैं. ठीक है? तो scale factor is what? 1.5. What is the second question says? Find the length of the diagonal of the bigger kite. Bigger kite के अंदर क्या निकालना है diagonal? और given दिया है BD equals to 40 centimeter. And AC equals to 68 centimeter. See your textbook. BD equal to 40 centimeter. AC equals to 68 centimeter. So diagonal of bigger kite. Diagonal of bigger kite. So first diagonal of bigger kite. See in your textbook. First diagonal of bigger kite क्या हो जाएगा यहां पे? क्या यहां पे BD है, इसको ले लो 40 और किससे मल्टीपल कर देंगे इसको 1.5 से। सो मल्टीप्लाई 1.5, 40 मल्टीप्लाई 1.5 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पे 0 0 0 कैंसल, तो 14 टू 15 4 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पे 60 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ द बिगर कट क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल ऑफ बिगर कट कितना दिया वहां पे 68, तो 68 मल्टीप्लाई 1.5। व्हाई? बिकॉज 1.5 दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी इन एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, सेम वे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 68 15 अपॉन 10 मेक यू ऑटो कैंसिल हियर 5 3 जा 15 5 2 जा 10 2 से कैंसिल करो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 तो क्या बच गया 34 इंटू 3 सो व्हाट वी गेटिंग यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 4 जा 12 102 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्केल फैक्टर क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन इन द एक्सरसाइज नंबर 1 होल क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही बना था। ठीक है, स्केल फैक्टर से क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते। ओके सो आई थिंक यू टू अंडरस्टैंड ऑफ द टुडेज वीडियो। सो टुडेज आई हैव स्टॉप माय वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज नंबर 1 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 टोटली रिलेटेड टू अवर टूडेज वीडियो। जो थ्योरम नंबर 8 है तो थ्योरम नंबर 9 है उसी से रिलेटेड है। तो पहले थ्योरम नंबर 8 और 9 समझो तो अपने आप क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।